नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे मेल मिले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेल की बजाय आप कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई सारे लोग पूछते हैं तो एक एक मेल का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो वी कैन गिव द रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो और इकट्ठा आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। दैट इज माई सजेशन। आप लोगों ने हमारी एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी सीरीज को काफ़ी सराहा है, उसी सीरीज के अंदर आज हम थोड़ा और काम करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने कहा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल मैच करती हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी की दोबारा से। और किस चीज़ की बात करेंगे, हम बात करेंगे काल सर्प योग की। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत फेमस है, आजकल आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास तो बताएगा वो आपको कि आपको काल सर्प योग अगर है तो उसकी क्या रेमेडी है। ये काल सर्प योग एज पर एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? काल सर्प योग होता है कि राहु और केतु दो ग्रह हैं, इनके अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, इनकी ओरा में या आप कहें इनकी इनके इन्फ्लुएंस में सारे ग्रह आ जाते हैं। अब जब इनके इन्फ्लुएंस में ग्रह आ जाते हैं तो रेमेडी सिर्फ राहु और केतु की जाती है, करेक्ट। अब क्या ये साइकोलॉजिकल भी कहीं मैच करता है? तो अपन आज इस पे काम करते हैं, क्योंकि हमने इस पे रिसर्च किया, इसको उसके साइकोलॉजिकल एंगल से देखा है, काम किया है इस पे, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब काल सर्प योग किसी को होता है तो क्या होता है? काल सर्प योग में आपके कई बार ग्रोथ रुक जाती है, जॉब करियर खराब हो जाता है या ग्रोथ नहीं मिलती, रिलेशनशिप स्पाइल हो जाती है या अच्छे से नहीं चलती, मॉनेटरी इशू हो जाते हैं, बॉडी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, कई बार आप हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें जो होती हैं तो साइकोलॉजिकल अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो हम थेरेपी करते हैं दैट थेरेपी इज स्ट्रेस थेरेपी। स्ट्रेस में क्या होता है हमें मालूम है, चिंता चिता समान। स्ट्रेस होती क्यों है आदमी को? जैसे काल सर्प योग हम किसी से मांगने नहीं जाते, मैंने आज तक कोई नहीं देखा इतने साल में, मैंने भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडियों का सर्वे किया है, किसी आदमी ने जाके मंदिर में या अपने गुरुद्वारे में या कहीं और जाके मन्नत मांगी हो कि मेरे को काल सर्प योग मिल जाए? नो वन, करेक्ट। तो वैसे ही कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस मांगने जाते हैं? कोई नहीं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एज पर साइकोलॉजी क्या है? रिएक्शन, रिएक्शन टू द थिंग्स, जो चीज हो रही हैं उनके प्रति आपका बिहेवियर ही आपको स्ट्रेस देता है। और कौन आदमी है जो स्ट्रेस में रहना चाहता है? कोई भी नहीं, बट फिर भी ऑलमोस्ट सब लोग स्ट्रेस में। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, साइकोलॉजिकल क्या डिसऑर्डर है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। आज आप सब लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने अपने घरों में एक काम किया होगा, एक भगवान शिव की मूर्ति लगाई होगी जिसको हम कहते हैं नीलकंठ महादेव। उनमें नीलकंठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो विष पिया था वो गले में रोक लिया था। विष का तो उन पे असर होना ही नहीं था, बिकॉज वो परमात्मा है, अगर परमात्मा है तो विष का है कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने गले में रोक लिया। क्यों? ना तो विष को उन्होंने ऊपर जाने दिया, ना ही विष को उन्होंने नीचे बॉडी में जाने दिया। उन्होंने हमें क्या सिखाने की कोशिश की? किसी भी चीज के ऊपर जो आपका रिएक्शन है, ना तो वो एक्सेस हो कि वो आपके फ्यूचर को खराब करे, ना ही इतना लो हो कि आपका जो वर्तमान है उसको खराब कर दे, और बार बार वो हमारे दिमाग में ना घूमे। अब हम इसको साइकोलॉजिकल देखते हैं। साइकोलॉजिकल हम क्या करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो गई, हम उस रिलेशनशिप को तब तक खींचते रहते हैं जब तक कि उसी की वजह से कोई और रिलेशनशिप खराब ना हो जाए।
एक रिलेशनशिप थी आपकी खराब हो गई, किसी वजह से हुई, हम उस वजह में नहीं जाएंगे, जो भी वजह से हुई वो रिलेशनशिप, लेकिन आज वो खराब हो गई, आपको जो पेन होना था वो हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक थेरेपी करवाने लेडी आई थी, उसके पास एक फोन था। अब वो फोन किसी ने गिफ्ट दिया होगा उसे, वो रिलेशनशिप समहाउ खराब हो गई किसी भी वजह से। उस फोन की हालत ये थी कि वो बैटरी चल नहीं रही थी, फोन टूट चुका था, उसमें 5 मिनट से ज्यादा का बैकअप नहीं था, बट फिर भी वो लगातार उसको यूज कर रही है। उस चक्कर में जो बाकी लाइफ के दरवाजे खुले हैं उनको देख ही नहीं रही। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। हमारा रिएक्शन उस काम के प्रति, उस मोमेंट के प्रति, उस एंगल के प्रति, वो जो रिएक्शन है वो ही हमें खराब कर रहा है। तो हमारा वो रिएक्शन है किसी भी मोमेंट, किसी भी हमारा कोई बुरी चीज हो गई है या कोई ऐसी चीज हो गई है, वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन हमें स्ट्रेस देता है। अब ये स्ट्रेस बढ़ता क्यों है? तो हम बोलते हैं ना, चिंता चिता समान है। स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है कि जब एक बार हम स्ट्रेस में चले जाते हैं तो जो हमारा एनर्जी लेवल है, जिसको हम बायो टूल से नाप भी सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, वो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और एक बार वो डाउन हो गया तो उसको दोबारा से नॉर्मल होने में काफी टाइम लग जाता है। और उसको जब दोबारा से नॉर्मल होता है, तब तक अगर कोई और इंसिडेंस हो गया या कुछ और याद आ गया आपको, तो दोबारा से डाउन हो जाता है। जब ये रेगुलर होता है तो स्ट्रेस बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, हेल्थ की प्रॉब्लम कर देती है आपको, बाकी बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन ये तो है ही है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बोन कमजोर कर देती है, जैसे आर्थराइटिस बोलते हैं, पेन शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन होगा, आईज वीक हो जाएंगी, ये सारी चीजें स्ट्रेस के कारण ही होती हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए कि किसी भी चीज के ऊपर रिएक्शन, इम्पल्सिव रिएक्शन जो बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज को कोशिश करनी चाहिए कैसे भी करके बीच में रोक पाए। रिएक्शन होगा, राइट, लेकिन हम मान लो 10 की स्केल है, उस पर 2 या 3 का रिएक्शन कीजिए, लेकिन वो रिएक्शन 8 या 9 का हर बार होगा तो आपका जो माइंड है हमेशा गामा वेव में चला जाएगा। और जब गामा वेव में जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? डिसऑर्डर बढ़ जाएंगे। हम ज्यादा देर गामा वेव में रह नहीं सकते, मैंने बताया ना, आप दूसरे वीडियो में आप देखेंगे तो उस पर पूरा समझ में आएगा। और सेम चीज एस्ट्रोलॉजी बोलती है, जब काल सर्प योग होगा वो आदमी हाईली टेंस रहेगा किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से। तो आप इन दोनों चीजों को समझिए और इंप्लीमेंट कीजिए, इंपल्सिव बिहेवियर से बाहर आइए। और अगर आपको लग रहा है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी थेरेपीज हैं, आप थेरेपी ज्वाइन कीजिए और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम दान या पूजा करके ठीक करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में डिफरेंट थेरेपीज हैं जिससे हम ये ठीक कर सकते हैं। आप ज़रूर बताइए हमें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करिए हमारे यूट्यूब बॉक्स में। और सबसे बड़ी बात, जो ये हम वैल्यूएबल, जो हम अच्छी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और उसमें एक यूट्यूब ने बेल का बटन दिया है वो दबाएँ, और इसको शेयर करें उन सब लोगों से जो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हेल्पफुल होगा उनके लिए और इसको लाइफ को उनकी ग्रोथ पाथ पे डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।